नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ग्रेटर नोएडा में अगर आपको कोई घर या अपार्टमेंट अगर ख़रीदना है तो उसका क्या प्रोसेस है और यहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कुछ भी ख़रीदने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। NCR में अगर कोई अपना खुद का फ्लैट या इंडिविजुअल हाउस अगर आप लेना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। पहली बात तो यहाँ के जो रेट्स हैं वो अब ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुके हैं और कुछ भी नया ख़रीदना आम आदमी के पहुँच से तो काफ़ी बाहर हो चुका है और होता जा रहा है। आप ग्रेटर नोएडा को ही देख लीजिए, पिछले 2-3 साल में इतना ज़्यादा यहाँ के रेट्स बढ़े हैं कि कोई भी आम इंसान, सरकारी या प्राइवेट नौकरी करने वाला, यहाँ पर कोई भी छोटा सा छोटा फ्लैट भी या इंडिविजुअल हाउस तो आप छोड़ ही दीजिए, लेना अफोर्ड कर ही नहीं सकता। अब देखिए, इसके कई कारण हैं, क्योंकि दिल्ली के पास होने के कारण और दिल्ली में अब इतनी जगह बची नहीं है और वहाँ पोल्यूशन का स्तर भी आप लोग जानते हैं कि कितना बढ़ चुका है। इस वजह से लोग NCR, गुड़गांव, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा जैसी जगहों पे शिफ्ट हो रहे हैं और यहीं पर अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु जो रेट इस समय यहाँ चल रहे हैं, इस वजह से बहुत मुश्किल होता जा रहा है किसी के लिए भी कुछ भी अफोर्ड करना। हालांकि ये जो रेट हैं ये इतने ज़्यादा एक्चुअली में नहीं है। अगर आप यहाँ का सर्कल रेट देखेंगे, जिस एरिया में मैं हूँ, जैसे सेक्टर पाई, यहाँ पर अभी भी सर्कल रेट 35,000 से कमी है, 33,000 से 35,000 के बीच में ही आपको सर्कल रेट देखने को मिलेगा। पर यहाँ जो मार्केट रेट है वो इस समय 1,00,000, 1.25 लाख या 1.5 लाख तक पहुँच चुका है। और एरियाज जैसे स्वर्ण नगरी और सेक्टर पाई, HR के आसपास के भी एरिया इस समय बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे सेल हो रहे हैं। और अगर आप कोई भी फ्लैट लेना चाहेंगे तो 80 लाख से कम का कोई भी फ्लैट यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं होगा। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली जो क्लाइंट है, जो सेलर है, आप उससे अगर नेगोशिएट करें तो आपको एक बेटर डील मिल सकती है। क्योंकि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जाएंगे तो एजेंट अपना कट जो लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है और वो आपको प्राइस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट करके बताएंगे, जिससे कि आपका ख़रीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो हमेशा आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अभी आपको लेना है, इमीडिएटली लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लिया तो फिर रेट और भी बढ़ जाएंगे। तो इन चीज़ों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा किसी ऐसे बायर की या सेलर की खोज करनी चाहिए जो अपना मकान या अपना फ्लैट खुद से बेच रहा हो, क्योंकि अगर वो खुद से बेच रहा होगा तो वो अब ज़रूर जो उसका प्राइस है वो एजेंट के कंपेयर करें तो उससे कम ही वो रखेगा और आप उससे आसानी से परचेज कर सकते हैं। और जो भी उसका फ्लैट का और मार्केट रेट और जो भी उसका एक्चुअल सर्कल रेट है वो उसी के हिसाब से बेचेगा उसे। तो इसलिए ये आप प्लीज़ पूरी जांच करने के बाद ही कोई फ़ैसला लें कि आपको परचेज़ करना है कि नहीं करना, और एजेंट के चक्करों में तो बिल्कुल ही ना पड़े। अगर आपको NCR, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली या गुड़गांव में कोई भी फ्लैट या हाउस या प्लॉट लेना है तो मैं तो कहूँगा एजेंट और लॉयर, इनके चक्करों में अगर आप ना ही फंसें तो ज़्यादा बेटर है। आपके कोई नोन में कोई सेलर हो या कोई जान पहचान का वकील या एजेंट, तो मैं बिल्कुल ही नहीं कहूँगा, कोई ऐसा हो भरोसेमंद जो आपको फ्लैट या लैंड या फिर इंडिविजुअल हाउस दिला सकता है, तो आप उसको अप्रोच करिए इस एरिया में, क्योंकि वो आपकी ज़रूर मदद कर सकते हैं। मगर अगर आप एजेंट के चक्करों में फंस गए तो आपको 10 जगह दिखाएंगे और फिर उसके बाद उनका जो कमीशन है, अगर आप किसी फ्लैट का रेट एक्चुअली में 50 लाख है तो वो आपको 80 लाख में बेचने की कोशिश करेंगे और 30 लाख वो ब्लैक में पैसा अपनी जेब में डाल लेंगे। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पूरी जांच पड़ताल किए बगैर
किसी भी प्रॉपर्टी में, स्पेशली एनसीआर में तो इन्वेस्ट ना ही करें, क्योंकि एक तो रेट वैसे ही काफ़ी बढ़ गए हैं और ऊपर से जो यहाँ के डीलर हैं और फाइनेंशियल एडवाइज़र, लोन और लॉयर्स जो है स्पेशली, और भी बढ़ाते जा रहे हैं। और एक दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप किसी भी फ्लैट की रजिस्ट्री या उसका TM या कुछ भी कराने जाएं, तो आप वो चीज़ आप खुद से ही भी करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा अथॉरिटी है उसने सारा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है। तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है और किसी भी लॉयर एजेंट के बहकावे में ना आए कि हर चीज़ में अंडर द टेबल पैसे लिए जाते हैं। कहीं एक रुपया भी नहीं लिया जाता है किसी भी प्रोसेस में, स्पेशली TM रजिस्ट्री या दाखिल खारिजा जो आप कराते हैं म्यूटेशन रजिस्ट्री के बाद, किसी में कोई किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता है। आप जो भी लॉयर की फ़ीस है वो आप उसे दिए दें और अपना काम बिना किसी लेन देन के पूरा कर सकते हैं। और अगर कोई भी लॉयर, कोई भी एजेंट आपको ये बोल रहा है कि वो इसका पैसा लेगा और अंडर द टेबल लेते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो पैसा अपनी जेब में ही डाल रहे हैं। तो इसलिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रॉपर्टी देखने लेने से पहले ज़रूर उसकी जांच पड़ताल कर लें और पूरी जांच करने के बाद ही किसी भी तरह की पेमेंट करें। अगर आप नकद में कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो उसका पूरा आपके पास उसका फ़ोटो या एविडेंस होना चाहिए कि आपने उसका पेमेंट किया है, ताकि आगे चल के अगर कोई भी आपको परेशानी हो तो आपके पास कुछ ना कुछ एविडेंस रहेगा। क्योंकि ऐसे एरिया में प्रॉपर्टी लेन देन के मामले में नकद का काफ़ी इस्तेमाल होता है और किसी भी झगड़े से बचने के लिए आपको पूरी उसकी संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि आपने जो भी पेमेंट करी है वो सही जगह पहुंची है। तो आज का वीडियो मैं इतना ही रखता हूँ। आप बताइएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, NCR, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, स्पेशली ग्रेटर नोएडा, नोएडा के संबंधित, तो बताइएगा कमेंट्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।